आप भी आलू के पराठे के शौकीन हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया है 1.5 कटोरी आटा और आटे में डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये डो इतना सॉफ्ट है कि हमारे हाथों में चिपक रहा है। हमें ऐसा ही आटा चाहिए और इसे ढक के रख देते हैं। अब हम लेंगे हरा धनिया और इसकी डंठल काट के निकाल लेते हैं और इसे मिर्ची और लहसुन के साथ एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। हमें इसे बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम लेंगे 5 से 6 उबले हुए आलू और उसमें हमने जो दरदरा पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और स्वाद अनुसार नमक। अब आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। ये कांटे वाले चम्मच से अच्छी तरह से मैश हो जाता है, आप भी इसी तरह से अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। ये आलू का पराठा खाने में इतना टेस्टी है कि यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। हमें अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम अपना आटा देख लेते हैं। अगर आपका आटा थोड़ा हार्ड हो तो आप उसे पानी डाल के अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लीजिए। इस तरह करने से आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब हम सूखा आटा लेके और इसकी एक लोई बनाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सूखा आटा लगा के हम इसकी एक कटोरी बना लेंगे। हमने एक कटोरी बना लिया। अब हम जो आलू का मसाला बना के रखे थे उसको भर लेंगे अच्छी तरह से। ये आलू का पराठा खाने में बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने ना ही इसमें मसाले का यूज किया है और ना ही ऑयल का। और इसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। अच्छी तरह से बंद करने के बाद अब हम इसमें सूखा आटा लगा के इसका एक चकला बना लेंगे। चकला बनाने से हमारा पराठा फटेगा नहीं और बेलने में बहुत आसानी होगी। अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेल लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम इसे पैन में रख देते हैं। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। साइड से सेक लेंगे। एक साइड से सेकने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। अभी हम इसमें ना घी तेल कुछ भी नहीं लगाएंगे और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। इस तरह सेकने से आपका पराठा 100% फूलेगा ही फूलेगा। अब ये देखिए मैंने दूसरे साइड से सेक के अब इसमें घी डाला है और अब देखिए हमारा पराठा इसे फूलेगा ही फूलेगा। ये देखिए हमारा पराठा कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। आप भी एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।